चलिए नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो है क्या ना, इंटरनेट का इश्यू हो जाने के कारण कल भी क्लास नहीं चल पाई थी। मैंने भी रिकॉर्ड किया लेकिन वो रिकॉर्ड की हुई क्लास पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी नेट नहीं होने की वजह से। तो हम लोग कल वाली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी सेट 18 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो मैंने शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन को बदल दिया। ओके, मजे की बात मैं बता दूं, ये जो क्लास है आपकी, ये जीटे और साइंस को मिलाकर है और इसमें पूरी तरीके से जीटे के 20 क्वेश्चन और साइंस के 25, पूरे 45 क्वेश्चन मिलेंगे। बात समझना, ये तुम्हारे 20 सुपर मॉक की सीरीज है जिसमें आज लेक्चर नंबर 18 है। गुड इमेज बच्चा, जो 45 क्वेश्चन आने हैं वो 45 क्वेश्चन मैं आपको पूरी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। ओके, चलो फिर हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब देखो बात, अगर ये कि ये क्लास आपको रिकॉर्ड मिल रही है तो इसका मतलब है कि हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई कमेंट अवेंट तो है नहीं पढ़ने के लिए, है ना। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मोलस्का सनेटा उदाहरण नहीं है। बताइए इनमें से वो कौन है जो मोलस्का सनेटा उदाहरण नहीं है। सवाल ये है, हरा। अच्छा, मोलस्का सनेटा उदाहरण नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ सर? आपको पता है कि ये जो घोंघा होता है, सीप होता है, ऑक्टोपस होता है, ये सब हमारे मोलस्का संघ में आते हैं। लेकिन जो मकड़ी है ना, ये मकड़ी तुम्हारा जो है मोलस्का संघ में नहीं आता, ये नहीं आता। सर ये किसमें आता है? सर ये तो कीट है ना, ये तो कीड़े मकोड़े है ना, ये तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अगर तो पूछे कि स्पाइडर आता किसमें है, तो आपको बताना है ये सर आता है आर्थ्रोपोडा में। ओके, तो सवाल का सही आंसर जाएगा कि सर कौन मोलस्का संघ का उदाहरण नहीं है, मकड़ी नहीं है, बाकी सब मोलस्का संघ के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बोला जा रहा है के टाड़ा का मतलब है इनमें से बताइए किसके टाड़। मोलस्का के रक्त का रंग नीला होता है। बताइए जितने भी मोलस्का संघ में आते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस सबसे फेमस है ना, सीप है, इनके ब्लड का कलर अगर भी पूछा जाए कि बताइए इनके ब्लड का कलर कैसा होता है, तो तुम्हें बताना है इनके ब्लड का कलर नीला होता है। अब तुम पूछे नीला किस वजह से होता है, तो कहना इनमें पाया जाता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की वजह से इनके ब्लड का कलर नीला होता है, हीमोसाइनिन, बात को याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और आपको याद रखना है, जब भी कभी तुमसे पूछा जाए कि बताइए कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, तो याद रखना कॉकरोच का ब्लड होता है सफेद। कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद। ओके, लेकिन सफेद किसकी वजह से होता है? तो ये होता है तुम्हारा हीमोलिम्फ की वजह से। हीमोलिम्फ की वजह से होता है तुम्हारा सफेद, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा हीमोसाइनिन के साथ। मोलस्का सनेटे ब्लड का कलर नीला होता है, और नीला किस लिए होता है? तो कहना हीमोसाइनिन का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हमारे मिला जुलाते हैं, बड़े अच्छे हैं, ध्यान देना। कौन सा संयोजी ऊतक का सही युग्म नहीं है? इस बात को याद रखना, जब भी कभी कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है तो कह देना आपके शरीर में सबसे ज्यादा संख्या में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में कनेक्टिव टिश्यू में चार चीजें आती है, उनमें से एक तुम्हारा ब्लड होता है, दूसरा तुम्हारा कार्टिलेज जिसको आप उपास्थि कहते हो, कार्टिलेज, उसके साथ साथ बोन्स होता है, और बोन्स के साथ साथ एक और चीज आती है जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है, उसका नाम होता है एडिपोज। ये जो तुम्हारा एडिपोज टिश्यू है ना, ये भी तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है, एडिपोज, ध्यान रखना। अब सवाल ये कि बताइए इनमें से कौन तुम्हारा संयोजी ऊतक का सही युग्म है? तो संयोजी ऊतक में देखो बच्चा, स्टेन नहीं होती है ना सर, संयोजी ऊतक में मसल्स भी नहीं होते, ये मस्कुलर टिश्यू में आ जाएगा। तो सही युग्म हो जाएगा रुधिर और अस्थि। रुधिर और अस्थि ये कह सकते हो कनेक्टेड टिश्यू के एग्जांपल में आए, देख लो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। बोला जा रहा है कि खाली जगह में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, जबकि में नहीं है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली। आपको एक बात मैंने हमेशा समझाई है, फिर से सुन लीजिए। जो कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है उसका नाम होता है इंटरसेलुलर गैप। तो दो कोशिकाओं के बीच में जो भी हमारा खाली जगह होती है सर, उसे इंटरसेलुलर गैप बोलते हैं। अब इनमें से होता क्या है कि जो तुम्हारा स्टेलेनकाइमा है, स्टेलेनकाइमा ये वो प्लांट टिश्यू होता है जिसमें किसी तरह का कोई भी गैप नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये हार्ड होता है। तो गैप नहीं है, बाद में इन्होंने नहीं बोला, तो नहीं में स्टेलेनकाइमा आएगा। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन में इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, बाद में स्टेलेनकाइमा आएगा, ये है बात, ये है बात।
और पैरेंटाइमा में कह सकते हो कि डेप मिनिमम होगा, डेप नहीं मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक डेप पैरेंटाइमा, इसलिए पैरेंटाइमा दा रखना, इसकी लेयर बहुत थिन होती है, पैरेंटाइमा की लेयर बहुत थिन होती है, और दा रखना पैरेंटाइमा का मेन काम होता है भोजन को स्टोर करना, और स्टेलेंटाइमा प्लांट को हार्ड बनाता है, क्यों हार्ड बनाता है, तो इसकी लेयर बहुत थिक होती है। तो इंटरसेलुलर डेप पैरेंटाइमा में सबसे ज्यादा होता है, और स्टेलेंटाइमा में इंटरसेलुलर डेप बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए ये सबसे हार्ड होता है। ओके, पैरेंटाइमा में ही प्लांट टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम होता है एरेंटाइमा, और एरेंटाइमा क्या करता है, प्लांट को तैराने में मदद करता है। क्यों तैराने में मदद करता है, क्योंकि यहां पर इंटरसेलुलर डेप सर बहुत ज्यादा होता है, जिससे प्लांट हल्का हो जाता है, तैरते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर जाएगा, ये लीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल है, कहा ये जा रहा है कि बताइए खाली जगह मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। संवहन बंडल का मतलब हो गया कि जो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, संवहन करते हैं, है ना। तो जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं उनमें से एक प्लांट टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू में दो चीजें आती हैं, जाइलम और फ्लोएम, यही वो दो चीजें हैं जो तुम्हारा संवहन बंडल बनाती हैं। जाइलम आप सबको पता है कि जल और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फ्लोएम जो है सर वो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, भोजन, तो जल और भोजन का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सातवां छठवां, ल्यूकेमिया जिसको आप ब्लड कैंसर भी कहते हैं, आप बताइए कि किसकी सामान्य वृद्धि से होता है ना। तो सर इन्होंने ल्यूकेमिया पूछा है, तो ल्यूकेमिया मैं आपको बता दूं, जब भी तभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आरबीसी, आरबीसी की संख्या जब भी तभी घट जाती है तो आपको एक डिसीज होती है जिसका नाम है पीलिया, पीलिया। लेकिन अगर आरबीसी की संख्या बच्चा बढ़ जाती है तो ध्यान रखना है फिर से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है पॉलीसिथेमिया, पॉलीसिथेमिया, पॉलीसिथेमिया। तो पॉलीसिथेमिया आरबीसी की संख्या बढ़ जाने से होता है। सेम चीज से ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी में भी, आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी की संख्या जब भी कभी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तो तुम्हारा होता है ब्लड कैंसर, जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का ही मतलब होता है बच्चा ब्लड कैंसर। और ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी की संख्या जब भी कभी घट जाती है, घट जाती है तो उसे बोला जाता है ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। तो ल्यूकोपीनिया तब होता है जब डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया होता है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, है ना। तो समान असमान वृद्धि से होता है, तो इसका आंसर जाएगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, चेक लो। ओके चलो अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए क्या है, बोला जा रहा है संयोजी ऊतक जो वसा को संचित करता है, फैट को स्टोर करता है। आप बताइए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि चार तरह के संयोजी ऊतक होते हैं, जिनमें से तुम्हारा ब्लड होता है कार्टिलेज होता है, एडिपोज होता है, और तुम्हारा जो है बोन्स होता है। तो इनमें से वो आपको टर्नेटिव टिश्यू बताइए जो वसा को संचित करता है। तो वसा को संचित करने वाला टर्नेटिव टिश्यू होता है एडिपोज। एडिपोज में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है एडिपोसाइट। अगर कोई पूछे इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है तो तुम्हें बताना है एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट ध्यान रखना जो एडिपोसाइट होता है सर उसी में फैट स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां नंबर देखिए। अभी यहां से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन हमारे अब जनरल साइंस उसके आ गए, जीके के आ गए। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है, है ना। तो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति माने जाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, राज्य के विश्वविद्यालय के। वैसे अगर कुलपति की बात आई है तो तुम्हें एक पॉइंट याद चल रहा, अभी यूजीसी के अध्यक्ष बदले गए। अगर कोई पूछे कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने थे तो तुम्हें बताना है एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए अध्यक्ष है। ओके, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल हालांकि बहुत सारी चीजों की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, और राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर नौवां, ये देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर नौवां को पढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि बताइए इनमें से विधान परिषद किस अनुच्छेद में आता है। विधान परिषद का इन्होंने आर्टिकल पूछा है, जिस तरह से संसद 79 में आती है, राज्यसभा में 80 में आता है, और लोकसभा 81 में आता है, सेम तरीके से आपको पहले विधानमंडल समझना है किसमें आता है,
विधानमंडल के बाद विधान परिषद समझना, फिर विधानसभा। ओके, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए विधानमंडल किसमें आता है, पहले विधानमंडल में बता रहा हूं, तो विधानमंडल आता है रखना अनुच्छेद 168 में, उसके बाद आता है विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद आता है अनुच्छेद 169 में, और अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए विधानसभा किस अनुच्छेद में आता है, तो तुम्हें बताना है अनुच्छेद 170। ये तीन याद कर लो, 169, 168, 169, 170। ये सेम चीज संसद के साथ भी है, अगर तुम पूछे कि बताइए संसद किस अनुच्छेद में आता है, तो तुम्हें बताना है संसद आता है 79 में। राज्यसभा कोई पूछे किस अनुच्छेद में आता है, राज्यसभा अनुच्छेद 80। और लोकसभा कोई पूछे किस अनुच्छेद में आता है, तो तुम्हें बताना है अनुच्छेद 88। तो इन्होंने पूछा क्या था सर, इन्होंने विधान परिषद पूछा था, तो विधान परिषद आ जाएगा अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर जाएगा अनुच्छेद 169। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये तुम्हारा जीके का क्वेश्चन है, बाबा की आत्मकथा। सारे क्वेश्चन बच्चा देख लीजिए, मिट्स है, मैं फिर से बता दूं, हम लोग पूरी तरह से ग्रुप डी जैसी ही तैयारी कर रहे हैं, ना इधर की ना उधर की। बाबा की आत्मकथा, तो धारणा बाबा की आत्मकथा खुद बाबा ने लिखी है, किसी और ने नहीं लिखी, और लिखी उसका नाम क्या है, तुच्छे बाबरी। अभी तुच्छे बाबरी किस भाषा में है, तो धारणा तुच्छे बाबरी जो बाबा की आत्मकथा है ये लिखी गई है तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर जाएगा तुर्की भाषा, और कोई भाषा नहीं है। सारी आत्मकथा याद कर लो, जैसे कि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, गुलबदन बेगम में हुमायूं नामा लिखा, तुझके जहांगीरी ये खुद जहांगीर ने लिखा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर काल में भू राजस्व की एक प्रसिद्ध नीति जिसका नाम था आईने दयशाला पद्धति, आईने दयशाला पद्धति बताइए किसके द्वारा निर्मित की गई है। देखो बहुत सीधी सी बात है, जब भी तभी तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि बताइए अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था, तो राजस्व मंत्री अकबर के दरबार में था तो टोडलमल, टोडलमल, और टोडलमल ने ही दारटना आईने दयशाला पद्धति निर्मित की है, ऑप्शन नंबर बी टोडलमल। भाई जो राजस्व मंत्री होगा वही तो करेगा ना, भू राजस्व का मामला है, तो इसका आंसर जाएगा टोडलमल के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था, बताइए गोवा पे अधिकार करने वाले पुर्तगाली का नाम बताइए कि गोवा पे अधिकार किसने किया था। ठीक है, जैसे कि एक अल्मीडा लिखा हुआ, अल्मीडा दारकना पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, कोई पूछे तो कौन, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था अल्मीडा। ओके, लेकिन अगर मैं बात गोवा की करता हूं तो गोवा के बारे में हमेशा इस बात को याद रखना, गोवा के बारे में कि गोवा पे कब्जा हुआ था 1510 में, गोवा को आजादी मिली थी 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत, और गोवा को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था 1962 में, केंद्र शासित राज्य 1962 में बना दिया गया था, और गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था 1987 में। ये डेट आपको गोवा के बारे में याद होनी चाहिए। अच्छा, तो धारणा लेकिन गोवा पे कब्जा 1510 में जो किया था ना, वो किया था अल्बुकर ने, अल्बुकर, तो अल्बुकर ने गोवा पे कब्जा किया था। जबकि अगर कोई पूछे कि फ्रांसिस अल्मीडा कौन था, तो वो फर्स्ट गवर्नर था अल्मीडा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि 1498 में आपको पता है कि भारत आया था वास्को डी गामा केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 13वां नंबर बताइए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13वां बताइए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी, इसका आंसर दो। तो भारत में पहली ट्रेन अगर कोई पूछे कि कब चलाई गई थी, तो तुम्हें एक तो बताना है 16 अप्रैल 1853 में, और यह पहली ट्रेन चली थी लाल डलहौजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में, और वो पहली ट्रेन थी 1853 में चली थी मुंबई से थाड़े, नाम भी तुम्हें याद रखना है। अच्छा, चली थी सिर्फ 37 किलोमीटर की, और कोई नाम पूछे कि बताइए उस ट्रेन का नाम क्या था, तो तुम्हें बताना है ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। ओके, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां, ये लीजिए बताइए इसका आंसर। ये सवाल मैंने कल भी सॉल्व कराया था, लेकिन मैं फिर से एक बार लेके आया हूं, क्योंकि ये सवाल है बहुत खास, इसलिए सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध रिटर्न, वायुमंडली में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। बड़ी अच्छी बात बोली, पहली बात तो ये तुमसे पूछा जाता है कि ये जो राइजोबिया बैक्टीरिया है इसका मुख्य कार्य क्या है,
तो टहना इसका मुख्य कारण होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ओके, देखो मैंने आपको बताया था प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन वायुमंडल से अगर प्लांट को चाहिए तो कैसे टले, तो उसके लिए राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को वायुमंडल से प्लांट तक पहुंचाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया मोस्टली नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ये ध्यान रखना। ये बैक्टीरिया ज्यादातर फलीदार फल में पाया जाता है, फलीदार में। फलीदार का मतलब जैसे कि मूंगफली, देखो एक ऊपर फली होती है ना, उसी तरह से आप देखिए मटर में भी तो छिलका होता है ना, फली होती है, फली बोलते हैं जिसको। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ध्यान रखना मसूर में, काबुली चना में, मूंगफली में, सब में पाया जाता है, गुलर में नहीं पाया जाता। और इन्होंने यही बोला था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता तो गुलर नहीं करता। अब देखिए गुलर छोटे छोटे होते हैं, लाल लाल पेड़ में लगे होते हैं, उसके अंदर कीड़े भी होते हैं, खाते भी लोग उसको, आंखें सही होती है उससे। तो आंसर तुम्हारा गुलर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल वाला सवाल सॉल्व किया था मैंने, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया। चेंजमेंट ये किया है कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में 59 परमाणु संख्या का तत्व है, ऐसे ही। तो कल याद करो मैंने बताया था कि 57, 58, 59 ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 56 भी बहुत पूछा जाता है, 56, 57, 58 ये तीन हमारे ऐसे एटॉमिक नंबर होते हैं जो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये जो 56 होता है ये एस ब्लॉक एलिमेंट आता है, ये तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, जबकि जो 57 होता है वो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। नाम भी मैंने बताया, नाम इसका होता है 57 का सेरेनियम, नहीं सेरेनियम नहीं होता, सेरेनियम तो 58 का होता है, 57 का होता है लैंथेनम, लैंथेनम इसका होता है एले से शुरू करते हैं, सेरेनियम इसका होता है, और इसका होता है तुम्हारा बेरियम, 56 का बेरियम। ओके, अब देखो 58 से लेकर मैंने आपको कहा था कि 61 तक, 58 और 14 जोड़ दो जरा कितना हो जाएगा 78, 58 से 78 तक ये तुम्हारा पूरा का पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब इन्होंने कौन सा पूछा है सर, इन्होंने 59 पूछा है, तो 59 किस ब्लॉक में आ जाएगा सर, 59 58 और 78 के बीच में होगा, जिसकी वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, तो ये सवाल इस तरह के प्रश्न लगाना सीख लीजिए, ये लीजिए, ये भी कल का प्लस रहे, लेकिन मैंने इसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट किया। इस बार मैंने पूछा है अलकनंदा और धौलीगंगा, मैंने आपको कहा था ये चारों जितने भी है इन सभी में दारकना अलकनंदा सब में कॉमन है, अलकनंदा सब में कॉमन है। ओके, अब रुद्रप्रयाग के साथ क्या जाएगा, कर्णप्रयाग के साथ क्या जाएगा, देवप्रयाग के साथ क्या जाएगा, विष्णुप्रयाग के साथ क्या जाएगा, तो विष्णुप्रयाग के साथ जाता है दारकना धौलीगंगा, धौलीगंगा विष्णुप्रयाग के साथ जाता है। ओके, देवप्रयाग के साथ जाता है भागीरथी, भागीरथी ये देवप्रयाग के साथ जाएगा, अलकनंदा सब में कॉमन है। और कर्णप्रयाग के साथ याद करो मैंने बताया था पिंडार नदी जाएगा, और जबकि देवप्रयाग रुद्रप्रयाग के साथ जाएगा भागीरथी हो गया, कौन बचा, कर्णप्रयाग पिंडार भागीरथी धौलीगंगा अलकनंदा मंदाकिनी बचा, तो रुद्रप्रयाग के साथ जाएगा तुम्हारा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ओके, तो सवाल का सही आंसर जाएगा तुम्हारा कि सर कौन अवस्थित है, इन्होंने धौलीगंगा पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष्णुप्रयाग। चेक लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला 17वां नंबर, बड़ा ही अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा नहीं तो सवाल गलत कर दोगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 17वां, एक ग्लास प्रिज्म, बहुत ध्यान से सुनना सवाल में थोड़ा स्टेटमेंट है, एक ग्लास प्रिज्म सफेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करता है, इस घटना को प्रिज्म द्वारा विक्षेपण कहा जाता है। बिल्कुल एकदम सही है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कभी किसी प्रिज्म से हम लोग सफेद प्रकाश को गुजारते हैं तो ऐसे अपवर्तन के बाद, परावर्तन नहीं अपवर्तन के बाद, वो 7 रंगों में डिवाइड होता है, और नीचे से ऊपर आता है तुम्हारा विभजोर, नीचे से ऊपर आता है बच्चा विभजोर, विभजोर जी वाई ओ आर। ओके, विभजोर नीचे से ऊपर आता है, तो आप मुझे बताइए पहली बात तो ये घटना कौन सी होती है, तो कहना ये अपवर्तन है, और अपवर्तन होने के बाद सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें आता है, या सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें आता है, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है तुम्हारा वायलेट में, वायलेट में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है वायलेट। ओके, तो इसका आंसर जाएगा पहली बात तो परावर्तन वाला गलत है, अपवर्तन वाला सही होगा, अपवर्तन वाला सही होगा। अब देखो लाइन को पढ़िए, बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक विचलन होगा या अपवर्तन कारण, ये एकदम सही है, देख लो बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक विचलन होगा
और यह प्रकाश का अपवर्तन होगा। बाकी और ऑप्शन देख लीजिए, लाल प्रकाश में सबसे अधिक विचलन होगा, गलत है, लाल प्रकाश में सबसे कम होता है। बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक हो रहा है, ये तो सही लिखा है, लेकिन इन्होंने लास्ट में लिखा परावर्तन, परावर्तन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीता, ये अभी अभी हाल का ही प्रश्न है कि बताइए अंडर 19 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है, अभी अभी हुआ है 2022 में, फरवरी और मार्च के आसपास हुआ है। तो पहली बात तो ये विश्व कप हुआ कहां पर है, तो कहना ये विश्व कप हुआ है वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में। और इस विश्व कप जीता किसने है, तो दरअसल इस विश्व कप को जीता है इंडिया ने, लेकिन किसे हराया है, कह देना इंग्लैंड को हराया है। तो आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया 5 बार ये कप जीत चुकी है, ध्यान रखना 5 बार इस विश्व कप को जीत चुकी है, अंडर 19 विश्व कप को इंडिया, जो कि पहली टीम है जिसने ऐसा कारनामा किया। किसे हरा के जीता है, सर इंग्लैंड को हरा के जीता है, आंसर तुम्हारा इंडिया के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, किस राज्य ने डाक विभाग से पहली ड्रोन के उपयोग से मेल डिलीवरी की, बड़ी अच्छी बात कही कि बताइए इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने डाक विभाग ने पहली ड्रोन से मेल ड्रॉप किया है ना। तो याद रखना, ड्रोन से मेल ड्रॉप करने वाला पहला डाक विभाग ये तुम्हारा गुजरात राज्य का है, गुजरात राज्य का। मैंने कल भी बताया था गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहली स्टील सड़कें बनाई है, स्टील सड़कें, स्टील की सड़क बनाई है। और कल मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि ये गुजरात एक ऐसा पहला राज्य है जिसने बालिका पंचायत शुरू की है, तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला भी गुजरात तुम्हारा पहला राज्य है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, गुजरात के साथ जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रेड रहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 एक नन्ना सा न्यूमेरिकल है। कहा यह जा रहा है कि यदि किसी ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है, यदि त्रिज्या भी आधी है बच्चा और द्रव्यमान भी आधा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है जी बराबर फॉर्मूला होता है जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। सर द्रव्यमान भी आधा है, त्रिज्या भी आधी है, इसका सीधा सा मतलब है ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो आधे का स्क्वायर हो जाएगा ना, देख लो। तो अगर मैं एक आधा कैंसिल कर दूं तो आधा चला जाएगा ऊपर, तो जी में, सर जी में फैक्टर आ जाएगा दो गुने का, जी में फैक्टर आ जाएगा दो गुने का, देख लो है ना। इसका पता क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब यह है कि अगर पृथ्वी पे जी 9.8 है तो उसे डबल कर दो, और डबल होता है तुम्हारा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19.6। तो ऐसे सवाल जो है ना ऐसे ही लगाए कीजिए, बस ये इसका आधा है, इसका डबल है, सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 21। जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो जितने भी संस्थाएं लिखी है इन सबकी स्थापना जरूर याद रख लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में होती है, एनसीसी की स्थापना 1948 में होती है 16 अप्रैल 1948, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना 1959 में होती है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एक वाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो नाडा की स्थापना सन 2005 में होती है। ओके, अब आगे बात सुनो, पुनीत सागर अभियान ये जितने भी छोटे छोटे जलाशय होते हैं, चाहे वो हमारा तालाब हो नदी हो, उनको साफ करने का अभियान है, और ये अभियान शुरू किया था दारखना नेशनल कैडेट कोर ने, यानी एनसीसी ने, एनसीसी ने यह अभियान शुरू किया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऑक्सीकरण का गुण नहीं है। देखो ऑक्सीकरण और अपचयन पे सवाल जरूर बनता है, हाँ याद रखना ऑक्सीकरण का गुण नहीं है। अब ये कैसे सवाल सॉल्व होगा, तो पहले मैं ऑक्सीकरण की परिभाषा बता दूं। सर ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। मैंने इसलिए ऐसा देखा क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दिया हाइड्रोजन का जुड़ना लिखा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन का निकलना होता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट सर गलत हो गया, ये वाला पार्ट गलत है। हाइड्रोजन का जुड़ना वो होता है अपचयन होता है, हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि कर सकता है। देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, मैं बताता हूं वो 3-4 क्वेश्चन, बस ध्यान से सुनिए।
पहला क्वेश्चन आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है, आपका जवाब जाएगा संसद के साथ। अब ये किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 138 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है अनुच्छेद 138। दूसरी बात सुनिए, ये अनुच्छेद 143 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बच्चा, ये भी परामर्श लेता है। परामर्श मतलब यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श ले सकता है किसी भी कानून पर, किसी भी नियम पर। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श ले सकता है, यह कहता है अनुच्छेद 143। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये अल्फा बीटा गामा पे बेस्ड सवाल है। हरा सवाल अल्फा बीटा गामा पे जब भी कभी आता है तो इसके अंतर पे जरूर फोकस लगा दीजिए। अल्फा बीटा गामा पे अंतर पे क्या होता है, बहुत सारे अंतर होते हैं बच्चा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अल्फा की जो वो होती है स्पीड होती है वो होती है 10^6 के आसपास, बीटा की स्पीड 10^7 होती है, गामा की स्पीड वही प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है यानी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही कुछ होता है, यानी सबसे कम स्पीड इसकी। लेकिन गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा इसकी होती है, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा इसकी होती है, इसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है बीच वाले, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि गामा के पास द्रव्यमान जीरो होता है, गामा का द्रव्यमान जीरो होता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसकी गति का स्पीड कम होती है, जिसकी स्पीड कम होती है उसकी आयनीकरण क्षमता ज्यादा होती है, हैं? अब देखो सवाल क्या, निम्नलिखित में कौन सा एक अल्फा कण के लिए गलत है, इसके पास उच्च आयनीकरण क्षमता होती है। सर ये तो सही है, अल्फा कण की स्पीड कम होती है जिसकी वजह से आयनीकरण क्षमता ज्यादा होती है, एकदम सही। उसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, सर ये गलत हो गया। भेदन क्षमता के मामले में उसी की भेदन क्षमता अधिक होती जिसकी स्पीड ज्यादा है, हाँ तो भेदन क्षमता गामा टी ज्यादा होती है, तो भेदन क्षमता गामा टी सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा टी, उससे कम अल्फा टी, याद रखिएगा। अरे तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा टी होती है, अब सवाल में लिखा था गलत बताइए, तो भेदन क्षमता अधिक बोल रहा है वो भी अल्फा टी बोल रहा है, सर ये गलत हो गया। अगला पॉइंट भी देख ले, तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, अल्फा के पास बिल्कुल होती है, वे सभी धरावेशित हीलियम नाभिक है। मैंने कई बार बताया अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, परमाणु नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाला बात गलत है, बाकी सब सही है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार अन्ना देवी पूर्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब देखो ये जो अन्ना देवी पूर्ण है, अगर कोई पूछे कि इनका कौन सा राज्य से संबंधित है, तुम्हें राज्य बताना तमिलनाडु, तमिलनाडु काफी फेमस है। और यह संगीतकार है सुर विहार, सुर विहार एक्चुअली में बांस का एक सितार होता है ना, तो कई बार इसको आप ऐसा भी पढ़ते होंगे बांस सितार, तो बांस सितार भी जानते होंगे, तो बांस सितार जो होता है उसी का नाम सुर विहार है। और ध्यान रखना यही वो वाद्य यंत्र है जो अन्ना देवी पूर्ण बजाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोला ये जा रहा है कि एक जय पद्धति जिसमें पराश्रव्य का उपयोग किया जाता है, एक जय पद्धति जिसमें पराश्रव्य का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी होता है, ईसीजी होता है, ईईजी होता है, एक्सरे होता है। देखो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप सबको पता है कि ये हार्ट की गतिविधियां बताता है, हार्ट की, हृदय की, और ईईजी सर ये ब्रेन की गतिविधियां बताता है, ब्रेन की। एक्सरे सर एक्सरे जो है वो बोन्स टूटी हुई हड्डियों को पता बताता है, हाँ। लेकिन जो सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी कुछ नहीं है, जो अब आप सोनार का यूज करते हो तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है सोनोग्राफी। आपको पूछे सोनार का सर पूरा नाम क्या है, जैसे कि कई बार एग्जाम में आ जाता है सोनार का पूरा नाम क्या है, तो सोनार का तुम्हें पूरा नाम याद रखना है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग। यही वो कह सकते हो डिवाइस है जो समुद्र में वस्तुओं का पता लगाती है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाती है। और इसमें कौन सी तरंगें इस्तेमाल होती है, तो तुम्हें बताना है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती है। ओके तो आंसर जा रहा सोनोग्राफी के साथ, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखिए 27 क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बताइए। तो लीला सेठ जो थी वो हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, और वो भी कौन वाले हाई कोर्ट, कहना हिमाचल प्रदेश। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो पहले महिला जज थी उनका नाम था फातिमा बीबी, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज रही हैं, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर,
VA, VW, VS, वायु जल और इस्पात में ध्वनि की वेग है। बच्चा ध्वनि की वेग की बात आ रही है तो आप सबको एक बात पता होना चाहिए कि जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, सबसे ज्यादा सॉलिड में, तो सबसे ज्यादा हो जाएगी इस्पात में, उससे कम हो जाएगी पानी में, उससे कम हो जाएगी तुम्हारी पानी में, और उससे भी कम हो जाएगी एयर में। सबसे ज्यादा सॉलिड प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, यानी स्टील में सबसे ज्यादा होती। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए। लेकिन अगर यही ध्वनि ना होता, ये हमारा प्रकाश होता, तो प्रकाश की चाल धारकना सबसे ज्यादा होती है एयर में, उससे कम होती है पानी में, और उससे भी कम होती है तुम्हारी सॉलिड में। ओके, तो ध्वनि और प्रकाश एक दूसरे के बच्चा उल्टे होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और स्पीड में बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, अब वो फैक्टर मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो फैक्टर जो है ना ज्यादातर मैं बता भी चुका हूं, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो आज अभी क्लास से, अभी आज बच्चों की क्लास नहीं, बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए, कोई बात नहीं, मैं 8 बजे इसको अपलोड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए राग मियां मिल्लाह किसके द्वारा बनाया गया है। यह बड़ा अच्छा सवाल है और आपको पता भी होना चाहिए किसके द्वारा बनाया गया। मियां मल्लाहार ये एक प्रकार का राग होता है, मियां मल्लाहार ये एक प्रकार का राग है। तो ये इसकी रचना की थी दारत्ना तानसेन ने, किसने की थी, तानसेन ने। अब तानसेन का तुम्हें जन्म जब भी तभी पूछा जाएगा, तानसेन का जन्म कब हुआ था, तुम्हें बताना है 1506 ईस्वी में। तानसेन का जन्म हुआ कहां था, तो तुम्हें बताना है ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में हुआ था। ओके, और मैं आपको बताऊं, तानसेन ने, तानसेन सबसे पहले राजा रामचंद्र के दरबार में थे, ग्वालियर के राजा थे, उसके बाद ये फिर हमारे शेर सूरी के दरबार में पहुंचे, और शेर सूरी के बाद अकबर के दरबार में। तो तुमसे कई बार पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन कौन था, तो भी आपको बताना है तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए थे लास्ट में, उसके बाद फिर वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट देखिए, तेल की एक छोटी बूंद पानी में फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी में फैल जाती है, सर ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी तभी आप लोग के पास ये मान लीजिए पानी है भरा हुआ है और इसमें तेल की एक छोटी बूंद डालते हो, तो आप देखते हो तेल की छोटी बूंद इस तरीके से पूरे सरफेस में फैल जाती है, फैल जाती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखना जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। तो पानी की डेंसिटी होती है 1000, जबकि तेल की डेंसिटी होती है 850। पानी की डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा है, और पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होने की वजह से पानी का अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, फैल जाती है। तो आंसर जाएगा जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अभी मैं एक क्लास देख रहा था, पता नहीं कोई मैडम थी, वो मैडम इसका आंसर सी बता रही थी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, है ना। तो कुछ भी मत पढ़िए, जो सही है वो पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर देखिए, निम्नलिखित में उन व्यक्तियों का चयन कीजिए जो भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों के पद पर रहे। सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो याद रखना जो भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों के पद पर रहे उनका नाम है चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई। अच्छा, मोरारजी देसाई सबसे पहले बने थे 1977 में प्रधानमंत्री बने थे, पहले प्रधानमंत्री मैं बता रहा हूं, और चौधरी चरण सिंह शायद 1979 में बने थे। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये प्रधानमंत्री के साथ साथ वाइस भी थे, यानी उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह को क्या बोला जाता है। बच्चा ये जो न्यूरॉन्स होता है ना, ये तुम्हारे मस्तिष्क की फंक्शनल यूनिट है, तो पूछे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन, जबकि किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन अलग है किडनी के साथ जा रहा है, न्यूरॉन्स हमेशा ब्रेन के साथ जा रहा। तो जो दो न्यूरॉन्स होती है उनके लगातार दो न्यूरॉन्स के बीच जो गैप होता है उसे बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स ध्यान रखना, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर जाएगा, साइनेप्स के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आर रविंद्रन का निधन हुआ, बताइए वो कौन थे। इनका निधन अभी 4-5 दिन पहले ही हुआ है। इनका अगर कोई पूछे कि किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो तुम्हें बताना है तमिलनाडु। और आर रविंद्रन जो थे वो फोटो जर्नलिस्ट थे, एक फोटो जर्नलिस्ट थे जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में यहां पर हम लोगों को मैचिंग करनी है,
ये तुम्हारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ना, तब स्त्री मैच्योर हो जाएगी बड़े आराम से, देखते रहिए ना। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रॉन्ज। सर ब्रॉन्ज का मतलब होता है कासा, कासा मतलब जिसमें कॉपर और टिन हो, ऐसा ना वो सर कासा हो जाएगा। तो ब्रॉन्ज होता है एक सॉलिड सॉल्यूशन, दो तरह के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ये सब पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं है। तो ए का तुम्हारा चौथा जाएगा। अब आप खुद देखिए, ए का चौथा मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो और आगे बढ़ जाओ। बाकी सब आपको पता है कि ये जो आपका CO2 है, ये प्रकार का कंपाउंड होता है, तेल और पानी का मिश्रण। तेल और पानी कभी मिलते नहीं है, इसलिए तेल और पानी का मिश्रण हमेशा विस्वानवी होता है। पानी और शराब मिल जाते हैं तो विलयन बना लेंगे, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम ऑक्साइड का यूज पेंट को एक घटक रूप में प्राप्त किया जाता है। अच्छा, क्रोमियम ऑक्साइड आपने देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग तरह के पेंट आते हैं, लाल आता है, हरा आता है, नीला आता है, पीला आता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड जब भी कभी हम लोग पेंट में मिलाते हैं तो हमें हरा रंग मिलता है। कैसा मिलता है? हरा मिलता है। बताइए, ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड अगर मिला दिया तो आपने लाल कलर मिल जाएगा, है ना। उसी तरह से कोबाल्ट मिला दिया तो कोबाल्ट के साथ आपका कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दिया तो नीला मिल जाएगा। इस तरीके से याद रखिए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, एक तरफ देश लिखा है और एक तरफ लिखा हुआ है राजधानी। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की वारसा, गलत हो गया। सर वारसा पहली बात तो राजधानी स्वीडन की नहीं है, सर यह राजधानी है पोलैंड की, पोलैंड की। ओके, अब मुझे जल्दी से सब लोग बताएंगे कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। फटाफट जल्दी से बताइए कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। ओके, अच्छा सब लोग कमेंट भी करते रहिए। देखिए है क्या ना, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है यहां पर, है ना, लेकिन आप सब लोग वीडियो को देखने के बाद एक बार शेयर जरूर कर देना, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना कि हाँ हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली में अभी इस समय नेट का इशू चल रहा है, तो नेट का इशू चल रहा है, तो आप सब लोग इसको जरा ध्यान दीजिए ना, बात समझे ना। ओके ठीक है, चलिए। तो नॉर्वे ओस्लो है, स्वीडन की अगर कोई राजधानी पूछे तो आपको बताना है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम ये हमारी स्वीडन की राजधानी होती है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, 37 में डायमंड और ग्रेफाइट पे क्वेश्चन है, ये बच्चे ने मुझे भेजा था। देखो जब भी कभी डायमंड और ग्रेफाइट से क्वेश्चन आए तो दरअसल डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, लेकिन डायमंड हार्ड होता है बच्चा और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ये एकदम सही है। डायमंड सॉफ्ट होता है, गलत हो गया। डायमंड इज बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, बिल्कुल एकदम सही बात है। डायमंड दरअसल तुम्हारा बैड कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारा गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो पहला और तीसरा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ये देख लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल था। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, मंडल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे। मंडल पांडे, तो मंडल पांडे के बारे में दो बातें पूछी जाती है। पहली बात पूछी जाएगी कि मंडल पांडे ने विद्रोह कब किया, तो विद्रोह किया था 29 मार्च 1857, और मंडल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857। तो फांसी देने की डेट अलग है और विद्रोह की डेट अलग है। मंडल पांडे बैरकपुर छावनी से थे और ये तुम्हारी उनकी 34वीं रेजिमेंट से थे, 34वीं रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर जाएगा, 34वीं रेजिमेंट। ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन से, बताना है सबसे अधिक न्यूट्रॉन्स किसमें। बच्चा न्यूट्रॉन्स निकाले जाते हैं ऊपर से नीचे को घटाकर, जैसे इसमें घटाइए तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 60 में से 30 घटाया जा रहा 30, 61 में 30 घटाया जा रहा 31, 59 में 29 घटाया जा रहा 32, और 59 में 26 घटाया जा रहा 33। देख लो तो सब में न्यूट्रॉन्स मैंने निकाले, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन्स मुझे इसमें दिखाई दिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे जा रहे थे, कैसे निकालते हैं, घटाकर ऊपर वाले इसमें से नीचे वाला निकलाएंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा पूछा था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह युद्ध जिसके बाद हुमायूं को पुनः हिंदुस्तान का राज सिंहासन मिला, इनमें से बताना है वह युद्ध जिसके बाद हुमायूं को पुनः राज सिंहासन मिला। अच्छा, हुमायूं ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े, 1531 में लड़ा था देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध 1531, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा,
और 1540 में बेल ड्राम जिसे आप कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, और 1555 में लड़ा था सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध 1555। अच्छा सरहिंद का युद्ध जो हुआ था ना, अच्छा पहला और लास्ट युद्ध ये हुमायूं ने जीते थे, और दूसरा और तीसरा युद्ध जो टीसेर शाह सूरी से हुआ था ये हार गए थे, है ना। तो सरहिंद के युद्ध के बाद ही हुमायूं को दिल्ली का सल्तनत मिला था 1555 में सरहिंद का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, इधर भी मैचिंग है, जल्दी से देख लीजिए कौन सी मैचिंग है 41 में। एक तरफ देखिए ग्लास व्लास लिखा है, सीमेंट विंड लिखा है, पेपर पेपर देखो, पेपर तो हमेशा इसकी मैचिंग सेलुलोज से जाएगी, क्यों? क्योंकि पेपर बनता है प्लांट से, पौधे से, और पौधे में पाया जाता है सेलुलोज। अच्छा C17H35 ये तुम्हारे साबुन का फॉर्मूला है, लेकिन कौन वाले साबुन का? हार्ड सोप। दो तरह के सोप होते, एक हार्ड होता है दूसरा सॉफ्ट होता है। हार्ड सोप होता है तुम्हारा Na के साथ, सोडियम के साथ, और सॉफ्ट सोप होता है पोटेशियम के साथ। तो ये तुम्हारा इसके साथ जाएगा, आंसर मिलेगा क्या? सी से वन, डी का चौथा, लो भैया भी नहीं मिलेगा। ग्लास क्या होता है? कांच भैया, सुपर कूल्ड लिक्विड है, कांच सॉलिड रही है, सुपर कूल्ड लिक्विड हमेशा बता रहा है, और फिर ये इसके साथ चला जाएगा। तो दूसरा और तीसरा हमारा पहले आएगा, और फिर तुम्हारा आ जाएगा एट और चार। ऑप्शन नंबर बी देख लो, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अच्छा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सवाल है कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है। तो कभी आप मैप में अफ्रीका महाद्वीप देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे कुछ निकला हुआ पार्ट रहता है, चार पांच देश होते हैं, सीम जैसी आकृति बनाते हैं, सीम जैसी आकृति बनाते हैं। तो ये सीम जैसी आकृति जो चार देश मिलकर बनाते हैं उन्हीं को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। तो कौन से वो देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं? तो कह देना सोमालिया भी है, जिबूती भी है, इरिट्रिया भी है, और इथोपिया भी है। ये चारों वो देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। आंसर नंबर डी हो जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 43 देखिए, घर्षण बल एक संपर्क बल है, जबकि चुंबकीय बल गैर संपर्क बल है। संपर्क बल का मतलब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी एक ऐसा फोर्स जो स्पर्श में ही लगेगा, बिना स्पर्श के नहीं लगेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर घर्षण बल चाहिए तो स्पर्श तो होना ही चाहिए ना, इसका मतलब सही है। और चुंबकीय बल गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एकदम सही है। देखो चुंबकीय बल ऐसे दूर एक दूसरे के चुंबक रखाओ तो आप मुझे बताइए बल तो लग जाता है ना, बल तो लग जाता है ना। चुंबकीय बल हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, है न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये सब हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते, इन्हें चिपटने की जरूरत नहीं होती। और जितने भी तुम्हारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते ना बच्चा, गैर संपर्क बल, उनमें हमेशा फोर्स दूरी पर डिपेंड करता है, वो भी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r². आप कोई भी फॉर्मूला देख लो, हर फॉर्मूले भी यही मिलेगा। तो ये दोनों बातें एकदम सही लिखी हुई हैं, ये दोनों बातें एकदम सही है, हर कंडीशन में सही है भैया, कोई भी कंडीशन हो हर कंडीशन में सही है। 40 नंबर देखिए, बोला ये जा रहा है कि अल्फा टर्न रदरफोर्ड के अल्फा टर्न प्रक्षेपण, देखो अगर याद हो तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा टर्न प्रक्षेपण किया था तो यह प्रक्षेपण किया था 1911 में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है परमाणु में अधिकांश स्थान खाली है, ये तो निष्कर्ष निकाला था ना उन्होंने, इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो परमाणु में अधिकांश स्थान खाली है, ये निष्कर्ष निकाला था, बिल्कुल एकदम सही है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10^5 गुना, एकदम सही। देखो निष्कर्ष से इन्होंने बताया था कि नाभिक की त्रिज्या होती है 10^-15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या बताई थी 10^-10 मीटर, तो 5 गुने का अंतर है, देख लो। चाहे इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा, बस गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा के भरने के बारे में ये सब इन्होंने नहीं बताया था, ये सब आगे चल के बताया था बोर बरी ने, ये बताया था तुम्हारा बोर्स ने। ओके, परमाणु का लगभग सभी द्रव्यमान नाभिक में रहता, हाँ ये इससे निश्चित, नाभिक में थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इन्हीं के भार परमाणु में सबसे ज्यादा होते, इलेक्ट्रॉन का भार बहुत कम होता है बच्चा, है ना। मैंने बता भी रखा है कि अगर एक प्रोटॉन तुम लेते हो ना तो लगभग ये 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक प्रोटॉन 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वह राज्य जो लौह एस्ट मैग्नीज तथा बॉक्साइट तीनों में की संचित वृद्धि में प्रथम स्थान पे है, तो बॉक्साइट लौह एस्ट मैग्नीज इन सभी में प्रथम स्थान पे है तुम्हारा उड़ीसा, एक्चुअली में है क्या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों को मिलाकर एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार,
छोटा नागपुर पठार, और यही वो पठार है जो इन तीनों का समृद्ध सोर्स है। ओके, तो आंसर तुम्हारा उड़ीसा के साथ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने देखिए अभी आप लोगों को पूरी तरह से क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए 45 है ना। अब कल अगर नेट का इश्यू सही हो गया तो हम लोग कल लाइव आएंगे, वैसे क्लास किसी भी तरीके से मिस नहीं हो रही, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास में मजा आया है ना, और थोड़ा सा कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिले कि अगर मैं क्लास दे रहा हूं तो फिर आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।